सर्दियाँ आ चुकी हैं तो बहुत दिल करता है सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने को और बनाने को। तो मैंने गजरेला बनाया है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी, फुल खोए के साथ। हमने कैसे बनाया है तो हम चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, फुल वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा ये गजरेला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ गजरेला। गजरेले के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर ली है 3 किलो गाजर। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, 3 किलो गाजर है। इसको मैं अब क्रश कर चुकी हूँ, क्रश करके मैंने इसको रख दिया है। और यहाँ पर दूध जो मैं यूज़ करूँगी वो सिर्फ 1 लीटर यूज़ करूँगी। 1/2 लीटर मैं अभी डालूँगी और 1/2 लीटर मैं बाद में यूज़ करूँगी। पतीले में मैंने दूध डाल दिया है, 1/2 लीटर दूध मैंने इसमें ऐड किया है। फ्लेम मैंने यहाँ जला दी है और गाजरों को मैंने पहले वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसको क्रश किया और ये सारी गाजरें अब मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब इसको हम इस दूध में इन गाजरों को पकने देंगे ताकि ये थोड़ी सी टेंडर हो जाए। जो मैंने इसमें दूध डाला था काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अब इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी पहले कढ़ाई में। मिल्क जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। यहाँ ऐड करूँगी इलायची पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये इसमें ऐड कर देंगे। जो 1/2 लीटर मिल्क रह गया था वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। मैं दूध इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि ज़रा अच्छे से इसमें मुझे रिच चाहिए, मज़ेदार इस दूध से ज़्यादा बनता है। इसको हम ड्राई होने देंगे। तो दूध खुश्क हो चुका है यहाँ पर काफ़ी हद तक, गाजर भी बहुत टेंडर हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं चीनी ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 175 ग्राम लिए हैं, 3 किलो मेरी गाजर थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मीठा कर लें, क्योंकि इसमें मैंने खोया भी ऐड करना है तो खोया भी मैं थोड़ा सा मीठा करूँगी और वो मैं मीठा कैसे बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो इसलिए मैंने जितनी गाजर डाली है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी इसमें ये जो मैंने अभी चीनी डाली है, आपको बताया कि चीनी भी पानी छोड़ती है तो अब वो थोड़ा सा पानी उसका भी खुश्क हो जाएगा। चीनी भी काफ़ी हद तक इसमें डाइल्यूट हो चुकी है। और यहाँ पर ये खुश्क पाउडर है, मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने ये 1 कप दूध लिया, इससे जो है काफ़ी हद तक पानी जो है इसका गजरेले का वो ये ड्राई कर देगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें पानी काफ़ी हद तक जो है बल्कि सूख चुका है इसका, गाजर का, दूध का, चीनी का, बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए नीचे उतारूंगी। यहाँ पर मैं रखूँगी एक पैन और यहाँ पर मैंने इसमें लूँगी देसी घी, आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, देसी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। जी घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट है, मैंने बादाम लिए उसको मैंने काट लिए बारीक और पिस्ता भी बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। और इसमें भी मैं इसे फ्राई करूँगी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये अब हो चुके हैं क्रंची और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें से थोड़े से मैं बादाम और जो ये है पिस्ता मैं निकाल लूँगी, मैंने वापस रख दिया। यहाँ पर मैं इसका तड़का लगाऊँगी जिसे अच्छे से हम भूनेंगे। और ये ऑयल डालने से आप देखिएगा कि गाजर पे एक अच्छी सी अलग सी ही शाइनिंग आ गई है। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखें इसको मुसलसल मैंने हिलाते रहना ताकि अच्छे से ड्राई और हो जाए और मज़ेदार हलवा रेडी हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और मेवा इसमें मैं डाल दूँगी। ये अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। यहाँ पर मैं खोया थोड़ा सा मेल्ट करूँगी, जैसे बाज़ार में एक लेयर होती है गजरेले के ऊपर, मैं वो ये लेयर बनाऊँगी। अगर आपका गजरेला ज़्यादा मीठा हो गया है तो आप इसको इसी तरह विदाउट शुगर के भी आप इसकी लेयर बना सकती हैं, बस इसे मेल्ट कर लें पहले। ये देखें मेल्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इलायची डालूँगी, इलायची पाउडर इसमें, और थोड़ी सी इसमें मैं कास्टर्ड चीनी डालूँगी, आप सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और वेयर जी आपने गरम गरम जो है खोया जो आपने उसके ऊपर मेल्ट करना है और स्प्रेड करना है, अगर ये ठंडा हो गया तो फिर ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। मैं फ्लेम बंद करूँगी और इसको हम गजरेले के ऊपर स्प्रेड करते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। मेल्ट किया हुआ जो हमारा
खोया है वो मैं रखूँगी। ये देखिए मैं भी आपको स्प्रेड करके दिखाती हूँ। फिर आप इसमें कोई एग पसंद करता है आप एग भी डाल सकते हैं। मैंने पिछले जो गजरेला है उसमें मैंने एग ऐड किए थे, इसमें मैंने नहीं किए क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रही थी। ये देखिए मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब यहाँ पर ये यह हमारा गजरेला रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी पिस्ता और बादाम। ये मैंने फ्राई नहीं किए, वैसे ही मैंने काट लिए थे बारीक बारीक। यहाँ पर मेरे पास ये चांदी का वर्क है, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा मैं इस पर ऐड करूँगी।